हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडा। तो आज हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की बिग बजट मूवी जिसका नाम है द ग्रे मैन। ये मूवी है वो इसी सेम नाम की नोवेल पर आधारित है और इस मूवी को है वो नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है और इस मूवी की हिंदी डबिंग है वो अच्छी है। इस मूवी में वो लीड रोल में नजर आएंगे रियान गोसलिंग, क्रिस वांस और एना डे आर्मस। तो रिव्यू शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि मेरा काम जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस मूवी का रिव्यू है वो शॉर्ट और सिंपल भाषा में करें तो यदि आपको मांस मसाला से भरपूर एक्शन मूवी देखना पसंद आती है तो ये मूवी है वो आपके लिए है। यदि आप एक्शन लवर हैं तो ये मूवी आपके लिए किसी भी ट्रीट से कम नहीं है। इस मूवी में थोड़ी थोड़ी देर बाद है वो काफी जबरदस्त एक्शन दिखाए गए हैं जिसे देखकर मैंने काफी इंजॉय किया। और बाकी नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी है वो काफी वीक है और बाकी इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो यदि आपको ये वीक स्टोरी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और आप एक मास मसाला से भरपूर एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी है वो आपके लिए है। और मेरी नज़र में ये एक डिसेंट वन टाइम वॉच मूवी है और मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 out of 10। तो आज का ये मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना।